Hello everyone, in this video you will get to know what are operators and what are the different types of operators used in Python programming language. Okay, so the question is what are operators? Operators kya hote hain? The symbols that trigger the operation or action on data are called operators. Operators wo symbol hain jinko jab data ke saath use kiya jata hai to wo kuch action perform karte hain, kuch operation perform karte hain, matlab wo kuch na kuch kaam karte hain jab bhi unko data ke saath use kiya jata hai. Okay, aise symbols ko kya kaha jayega? Operators kaha jayega. The data on which operation is being carried out are called operands. Aur jis data ke upar ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है, राइट, उस डेटा को क्या कहा जाता है? ऑपरेंड्स कहा जाता है. ऑपरेंड्स कैन बी वैल्यूज और वेरिएबल्स. ऑपरेंड्स आपकी वैल्यूज भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, 2+3 है, यहाँ पे 2 और 3 क्या है? डेटा है हमारा, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑपरेंड. और प्लस का सिंबल क्या है? ऑपरेटर है. तो यहाँ पे प्लस का सिंबल क्या टास्क परफॉर्म करेगा? ये 2 और 3 को ऐड कर देगा, राइट. तो ये सिंबल्स क्या करते हैं? कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं. तो जो प्लस का सिंबल है वो 2 और 3 ऑपरेंड्स को ऐड कर देगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5. ओके, हेयर प्लस इज द ऑपरेटर. यहाँ पे प्लस हमारा क्या है? ऑपरेटर डेट परफॉर्म्स एडिशन, जो एडिशन परफॉर्म कर रहा है, राइट. 2 और 3 आर द ऑपरेंड्स. 2 और 3 क्या है? आपके ऑपरेंड्स हैं. एंड 5 इज द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन. ओके, तो इस ऑपरेशन का रिजल्ट आपके पास क्या आया? 5. ओके, अब यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड एज, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स पाइथन में यूज होते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, जिनके बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे. सबसे पहले है आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, राइट. मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, राइट. तो यहाँ पे देखो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए गए हैं. अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली समझेंगे. सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में 2 ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो एज अ यूनरी ऑपरेटर भी यूज होते हैं एंड एज अ बाइनरी ऑपरेटर भी यूज होते हैं. यूनरी ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं? जिनके लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, और वो कौन से हैं? प्लस एंड माइनस, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिया, प्लस, और एक मैंने ऑपरेंड ले लिया 2, इसका रिजल्ट आ गया 2. ओके, मैंने प्लस लिया एंड अंदर ले लिया मैंने -2, राइट, इसका रिजल्ट आ गया 2 -2, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, राइट. तो यहाँ पे देखो प्लस क्या है? आप एक सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो इसे यूनरी ऑपरेटर आप कहोगे. ऐसे हम माइनस ले लेंगे, माइनस लिया हमने और 2 -2 आ गया, राइट, अगेन -2. ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 2. तो यहाँ पे देखो आपका प्लस एंड माइनस क्या है? यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको आप सिंगल ऑपरेंड पे भी अप्लाई कर सकते हो, राइट. अब हम करेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स, वो ऑपरेटर्स जो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं. ओके, उसके लिए मैं वैल्यू ले लेती हूँ. एक्स मैंने ले लिया 12, लेट अस सपोज. ओके, एंड वाई मैंने ले लिया 2, राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई, एडिशन ऑफ टू ऑपरेंड्स. ओके, देन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन. ओके, देन एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया आपका, 24 रिजल्ट आ गया है. अब मैं करूँगी एक्स डिवाइडेड बाय वाई, 6.0 आ गया, राइट. ये आपका क्या है? कोशेंट. और हमेशा ध्यान रखो डिवीजन का रिजल्ट आपका फ्लोट में आएगा, तो इसलिए ये किस में आया है? 6.0, राइट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलस. मॉड्यूलस में क्या होता है? डिवीजन का रिमाइंडर आता है. ओके, तो यहाँ पे ये आएगा 0, बिकॉज 12 विल बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय द 2. ओके, तो मॉड्यूलस से आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, फाइन. नेक्स्ट हम करेंगे फ्लोर डिवीजन. ओके, फ्लोर डिवीजन में क्या होता है? जो आपका रिजल्ट आता है, मतलब जो कोशेंट आता है, उसमें सिर्फ होल नंबर आता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आता है. जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, वो नहीं आता है. देखो यहाँ पे 6 आया है, 6, ओनली 6, फाइन. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपोनेंट, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होगा? एक्स रेज टू द पावर ऑफ वाई,
एक्स रेज टू द पावर ऑफ वाई मीन्स 12 रेज टू द पावर 2। ओके, यहाँ फ्लोर डिवीजन का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 5, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, मेरा कोशेंट आया 7.5। लेकिन अगर मैं फ्लोर डिवीजन करती हूँ, राइट, तो क्या आएगा, यहाँ पे मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5, ये डिलीट हो जाएगा, ओनली 7 आएगा, राइट। फ्लोर डिवीजन राउंड ऑफ नहीं करता कोशेंट को, ये डिलीट कर देता है फ्रैक्शनल पार्ट को। देखो 7 आया है, फाइन, ओके। हम लोग स्ट्रिंग के साथ भी अरिथमेटिक प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम वेलकम वेलकम, ओके, प्लस, राइट, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं 2, ओके, देन प्लस, देन थोड़ा सा स्पेस और क्लास, राइट। अब अगर आप इसको एंटर प्रेस करोगे तो आ गया वेलकम टू क्लास, ओके। तो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर होता है स्ट्रिंग, अगर आप प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ यूज करते हो तो ये क्या करता है, कॉनकैटेनेशन करता है। कॉनकैटेनेशन मींस जॉइनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, ज्वाइन हो चुकी है। जैसे अगर हम वेरिएबल की हेल्प से भी लिख करते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू है गुड गुड। सेकेंड जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू है, थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ, मॉर्निंग, morning, ओके, स्पेस मैंने इसलिए दिया, नहीं तो ये बिल्कुल ज्वाइन होके आ जाएंगे, राइट। अब अगर मैं करती हूँ एक्स प्लस वाई, तो गुड मॉर्निंग आपका आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रिंग्स का कॉनकैटिनेशन हुआ है, ज्वाइनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, ओके। अगर आप स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लीकेशन सिंबल को यूज करते हो तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, राइट, इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स वेलकम रिपीट होगा, इसके रेप्लिका बन जाएंगे, ओके, रिपीटिशन ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगी। वेलकम वेलकम आ गया है, राइट। अगर मैंने किया होता यहाँ पे, मान लो वेलकम, थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ मैं, ठीक है, ओके, जिससे वो बिल्कुल भी अटैच होके ना आए, 2 की जगह 4 कर देते हैं हम लोग, 4, राइट, आपका आ गया 4 टाइम्स, ओके, रिपीटिशन ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। तो जितना जितनी जिस भी इंटीजर वैल्यू के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स उस स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा, उसकी रेप्लिकास बन जाएंगे, फाइन। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल की हेल्प से ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा एप्पल, राइट, ओके, एंड मैंने वाई को मल्टीप्लाई करा दिया किससे, 4 से, ओके, देन ओके, यू गॉट दिस, फाइन। इसमें अगर आप थोड़ा सा स्पेस देना चाहते थे तो आप ऐसे दे सकते हो, APPLE एप्पल, फाइन, वाई इंटू 4, तो 4 टाइम्स आपका एप्पल आ जाएगा, आ गया है, फाइन। तो आप स्ट्रिंग के साथ भी अरिथमेटिक प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आता है, बुलियन रिजल्ट आता है, राइट। जैसे दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन बताएगा कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है तो ट्रू आ जाएगा, अगर ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, ओके। तो दीज आर द डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ओके। तो अब मैं प्रैक्टिकली आपको ये समझाती हूँ। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स लेते हैं जिनका हम कंपैरिजन करेंगे। एक्स ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 10 एंड वाई इक्वल्स टू 12, ओके। अब हमने क्या किया, एक्स, अब हम क्या करें, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, बिकॉज एक्स की वैल्यू क्या है 10 और वाई की वैल्यू क्या है 12, राइट, इसका रिजल्ट आया फॉल्स। अब मैं अगर लिखती हूँ एक्स इज स्मॉलर देन वाई तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, ओके। एंड इफ आई एम राइटिंग एक्स इक्वल्स टू वाई, अब देखो जब डबल इक्वल्स टू का साइन आता है इसका मीनिंग होता है दो वेरिएबल्स का यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, ओके। इसमें ये दिखाया जाता है कि क्या जो वैल्यू एक्स में स्टोर है, ओके, वो वाई की वैल्यू के इक्वल है, फाइन, ओके।
तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अगर देखो मैंने x इक्वल्स टू y लिखा होता तो इसका मतलब होता अब x के अंदर y की वैल्यू चली गई है। इसको बोलते हैं, जब सिंगल इक्वल टू होता है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड डबल इक्वल टू होता है उसको क्या बोलते हैं आप, कंपेरिजन। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू y। ओके, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ओके, तो क्या आएगा, फॉल्स। अब अगर मैं देखूँ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू वाई तो आपका क्या आएगा, ट्रू। ओके, तो यहाँ पे देखो कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज किया जा रहा है दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। आप स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ भी रिलेशनल ऑपरेटर और यू कैन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब दो स्ट्रिंग को भी आप कंपेयर कर सकते हो, फाइन। और ये कंपेयर कैसे, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एच ई डबल एल ओ हेलो, ओके, स्मॉलर देन एच ई डबल एल ओ हेलो, राइट। अब यहाँ पे देखो कंपेरिजन कैसे होगा, यहाँ पे करेक्टर वाइज कंपेरिजन होगा। ओके, कैपिटल एच का स्मॉल एच के साथ कंपैरिजन होगा, देन ई का ई के साथ कंपैरिजन होगा, ऐसे करेक्टर वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो करेक्टर की जो एस की वैल्यू होती है, एस काई, यू कैन से एस काई और एस की, ओके, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी आप कर सकते हो, एस की जो वैल्यूज होती है उनका कंपैरिजन होता है। और जहां पे अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो यहाँ पे कैपिटल एच की जो एस की वैल्यू है उसको स्मॉल एच की एस की वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा, राइट। तो कैपिटल एच की एस का आई वैल्यू क्या होती है, 65, एंड आपकी स्मॉल एच की एस की वैल्यू होती है 104। ऑब्वियसली, तो जो फर्स्ट आपने करेक्टर कंपेयर किया उसी से पता चल गया कि जो ये वाला हेलो है वो इस वाले हेलो से छोटा है, फाइन। तो अब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ गया है, फाइन। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और मैं ले लेती हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे कैपिटल ए, ओके, एंड स्मॉलर देन आपने दे दिया स्मॉल ए, स्मॉल ए ले लेते हैं हम यहाँ पे स्मॉल ए, फाइन, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ओके, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को या रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं टू क्रिएट अ बिग एक्सप्रेशन, फाइन। देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपके पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स, फाइन। अब देखो ये ऑपरेटर्स जब ज्वाइन करते हैं एक्सप्रेशंस को, जब एंड ऑपरेटर यूज होता है, ओके, तो इसका क्या रूल है, मान लो यहाँ पे हमारा दो एक्सप्रेशन है एक्स एंड वाई, ओके, वी हैव टू एक्सप्रेशंस एक्स एंड वाई, तो अगर दोनों एक्सप्रेशंस का रिजल्ट ट्रू है, ओके, तो एंड का रिजल्ट तब ट्रू आएगा, फाइन। यहाँ पे देखो ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, राइट। अगर दोनों एक्सप्रेशंस एक्स एंड वाई क्या है, ट्रू है, तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो या दोनों ऑपरेंड एक्स एंड वाई ऑपरेंड ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, राइट। अब और ऑपरेटर का क्या रूल है, ट्रू इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू, ओके, एक्स या वाई में से अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो और का रिजल्ट ट्रू आएगा, ओके, दोनों में से मान लो एक्स आपका ट्रू है, ओके, एंड वाई आपका फॉल्स है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, राइट, ओके, या फिर वाई आपका ट्रू है एक्स आपका फॉल्स है, राइट, तो भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों में से एक भी ऑपरेंड या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन, ये जो आपके एक्स एंड वाई है वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑपरेंड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेंड्स यूज होते हैं, ऑपरेंड सिंगल ऑपरेंड भी आप यूज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे नॉट का रूल क्या है, नॉट ऑपरेटर का रूल क्या है, ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स, मतलब ये रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है, रिवर्स कर देता है। अगर ऑपरेंड आपका ट्रू है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, और अगर आपका ऑपरेंड या एक्सप्रेशन फॉल्स है, ओके, फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू, ओके। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले हम और ऑपरेटर के एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। और ऑपरेटर का रूल आपको पता है, अगर दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया 3 equals 3, ओके, और एंड देन 6 equals 9, ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कंपैरिजन होगा 3 फर्स्ट वैल्यू का सेकंड वैल्यू के साथ, ओके, तो 3 equals to 3, तो ये आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू है।
सेकेंड एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि और के केस में दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन या एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा. ठीक है, देखो ट्रू आया है, जबकि सेकेंड फॉल्स था तब भी ट्रू आया है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया 6 is greater than 0. ठीक है, 6 is greater than 0 ले लिया, या फिर 6 is greater than 9 ले लेते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं. ओके, एंड और ऑपरेटर लगा दिया, 5 is smaller than 2. अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन भी फॉल्स है और सेकंड एक्सप्रेशन भी फॉल्स है. ओके, जब दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं तब रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा. फॉल्स आया. ओके, दोनों में से एक भी ट्रू होता तो रिजल्ट आपका क्या होता? ट्रू होता. अब मैं एक बार एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ, जैसे 6 is greater than 0. ओके, और 6 is smaller than 0. तो दोनों में से देखो एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है. यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा. ट्रू आया तो और के केस में दोनों एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होंगे तो ही आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा. राइट, अगर और ऑपरेटर नंबर्स, स्ट्रिंग या लिस्ट के साथ यूज होता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो कैसे फंक्शन करेगा? राइट, तो यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है x, और ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे हमने x और y के एक्सप्रेशन के बीच में और ऑपरेटर को यूज किया है. तो यहाँ पे रिजल्ट कैसे आएगा? देखो, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? सेकंड एक्सप्रेशन. राइट, सेकेंड एक्सप्रेशन या सेकेंड ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सेकेंड ऑपरेंड. अगर फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है, तो भी आपका सेकेंड. ठीक है, तो अगर फर्स्ट फॉल्स है, ये देखो, अगर फर्स्ट फॉल्स है तो आपका क्या आएगा रिजल्ट? सेकेंड वाला आएगा, वाई वाला आएगा. और अगर फर्स्ट ट्रू है तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ही डिस्प्ले होगा एज अ रिजल्ट. फिर से समझो, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट आएगा, और अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ही एज अ रिजल्ट आएगा. देखो, द ऑर ऑपरेटर विल टेस्ट द सेकंड ऑपरेंड ओनली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, एंड ऑर ऑपरेटर सेकेंड ऑपरेंड को तभी चेक करता है, सेकेंड ऑपरेंड के पास तभी जाता है जब उसका फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है. ओके, अदरवाइज इग्नोर इट, अदरवाइज वो सेकंड को इग्नोर ही कर देता है. ओके, अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो सेकंड को देखेगा ही नहीं, ट्रू जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ही डिस्प्ले करा देगा. ओके, और अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तब वो सेकंड की वैल्यू डिस्प्ले कराता है. अब ये मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ. ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे लिया 0 और 0. राइट, अब देखो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? फॉल्स है. ठीक है, 0 इज कंसीडर्ड एज फॉल्स. हालांकि मेरा सेकंड भी फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट की वैल्यू चेक होती है फर्स्ट एक्सप्रेशन की, और के केस में अगर फॉल्स है, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आपका सेकंड डिस्प्ले होता है. ओके, तो रिजल्ट देखो 0 है. तो ये जो 0 डिस्प्ले हुआ है ना, ये सेकंड वाला डिस्प्ले हुआ है. कैसे? फिर मैं फिर से दिखाती हूँ. फर्स्ट हमारा ये 0 हो गया. ओके, एंड सेकंड मैंने दे दिया 2. अब देखो 2 डिस्प्ले होगा. राइट, फर्स्ट मैंने 0 दे दिया और सेकंड मैंने दे दिया a. ओके, देखो सेकंड डिस्प्ले होगा. फाइन, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर 0 है तो आपका सेकंड डिस्प्ले हो जाएगा. लेकिन अगर फर्स्ट वाला आपका अगर ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है, यहाँ पे 0 क्या है, इट विल बी कंसीडर्ड एज फॉल्स. ओके, लेकिन अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं है तो हमेशा फर्स्ट एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट आएगा, वो 2 को देखेगा भी नहीं, सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखेगा भी नहीं. राइट, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया और यहाँ पे 0.0 ले लिया. ओके, 5 आ गया, मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया. अब देखो मेरे यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने a दे दिया. ओके, एंड सेकंड दे दिया मैंने z. राइट, अब यहाँ पे देखो सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन ही चेक होगा और के केस में, सेकंड पे वो जाएगा ही नहीं अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, और फर्स्ट एज अ रिजल्ट आ जाएगा. आ गया. ओके, यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया g. ओके, और यहाँ पे ले लिया h. तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा आपका? जी डिस्प्ले हो गया. सेकंड के पास वो जाएगा ही नहीं अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है. फाइन, मैंने यहाँ पे ले लिया 1, मान लो 25 ले लिया, और मैंने ले लिया 35. तो क्या डिस्प्ले होगा आपका? 25. ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन ही डिस्प्ले कर देगा. ओके, नेक्स्ट हमारा एंड ऑपरेटर है. एंड ऑपरेटर में ट्रू
आंसर तभी आता है जब दोनों एक्सप्रेशन या फिर आप कह सकते हैं दोनों ऑपरेंड ट्रू हो। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है 3 equals to 3 एंड 4 equals 8, राइट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो मेरा ट्रू है बट सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज एंड के केस में क्या है, दोनों एक्सप्रेशंस का ट्रू होना जरूरी है तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। ओके, जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4 is greater than 8, यहाँ पे 4 is greater than 8 एंड 5 is smaller than 2, राइट। यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन भी फॉल्स है और सेकंड एक्सप्रेशन भी फॉल्स है, रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, राइट। अब देखो मैंने एक एग्जांपल और लिया, 8 is greater than 5 एंड 2 is smaller than 5, तो यहाँ पे देखो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं, तो अब रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, राइट। तो एंड के केस में अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तभी आपका रिजल्ट ट्रू आता है। ओके, अब अगर आपका एंड ऑपरेटर आप यूज़ करते हो नंबर्स के साथ, स्ट्रिंग के साथ या फिर लिस्ट के साथ, तो कैसे वर्क करेगा? देखो x आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, y आपका सेकंड एक्सप्रेशन है और आपने यहाँ पे x एंड y एक्सप्रेशन को एंड की हेल्प से ज्वाइन किया है, फाइन। अब देखो यहाँ पे जो जब एंड ऑपरेटर आप यूज़ करते हो तो क्या होता है, द एंड ऑपरेटर विल टेस्ट द सेकेंड ऑपरेंड ओनली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, राइट। देखो और ऑपरेटर जब आपने यूज़ किया था उसका ये बिल्कुल अपोजिट है, राइट। उसमें क्या होता था, अगर फर्स्ट फॉल्स होता था तो सेकंड की वैल्यू डिस्प्ले होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू डिस्प्ले करेगी, और अगर सेकंड, और अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो फिर सेकंड के पास जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से देखो, द एंड ऑपरेटर विल टेस्ट द सेकंड ऑपरेंड ओनली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, अदरवाइज इग्नोर इट। तो आपका एंड ऑपरेटर सेकंड ऑपरेंड को, सेकंड एक्सप्रेशन को सिर्फ तभी चेक करता है, राइट, जब आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है। ओके, तो अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, ओके, तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट आ जाएगा, और अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपका सेकंड एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट आ जाएगा। इसमें सेकंड को तो देखा ही नहीं जाता, फर्स्ट को ही देखा जाता है। अगर फर्स्ट फॉल्स है तो फर्स्ट एज अ रिजल्ट आएगा, और अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड एज अ रिजल्ट आएगा, फाइन। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा 0 और 0, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा फॉल्स है, तो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट डिस्प्ले होगा 0। ये जो 0 डिस्प्ले हुआ है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन डिस्प्ले हुआ है, फाइन। अब देखो मैंने 0 and 8 लिखा, मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, रिजल्ट क्या आएगा, मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन। मैंने फिर लिखा 0 and यहाँ पे मैंने लिख दिया 35, तो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा। ओके, अगर मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर सेकंड पे जाएगा। जैसे मेरा मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन 5 लिख दिया जो कि क्या है, फॉल्स नहीं है, और सेकंड एक्सप्रेशन मैंने फॉल्स लिख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेटर के केस में सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन चेक किया जाता है, और एंड के केस में क्या, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन, और अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तभी जाएगा सेकंड एक्सप्रेशन के पास। अब देखो 0 डिस्प्ले करेगा, ये 0 क्यों डिस्प्ले करा, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू था, तब वो सेकंड एक्सप्रेशन के पास गया और सेकंड एक्सप्रेशन को उसने डिस्प्ले किया। अगेन अगर मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, देखो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, तो अभी कहाँ चले जाएगा, सेकंड एक्सप्रेशन के पास चला जाएगा। मैंने सेकंड एक्सप्रेशन में ए दे दिया, ए आ गया। अगेन मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, मैंने ए यहाँ पे दिया, ओके, और एंड बी, तो अब अगेन ये सेकंड एक्सप्रेशन के पास जाएगा क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, ठीक है। बी के पास चला गया, यहाँ पे आपने 25 दे दिया एंड यहाँ पे दे दिया 60, तो क्या आएगा आपका, 60 आएगा। ओके, तो एंड के केस में क्या होता है, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो डिस्प्ले करेगा, अगर फॉल्स नहीं है, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे आपका ट्रू है, तो सेकंड के पास चला जाएगा। अब सेकंड चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, वो डिस्प्ले करा देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है जो एक सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। ओके, और यहाँ पे, और ये क्या करता है,
आपका एक्सप्रेशन या ऑपरेंड के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है. जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, नॉट फाइव, यहाँ पे फाइव क्या है, मेरी ट्रू वैल्यू है, ओके. और नॉट इसके आगे लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ओके. फाइव क्या है, आपका ट्रू है. तो अगर इसके आगे नॉट ऑपरेटर आपने यूज कर दिया है तो ट्रू को ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, राइट. फॉल्स आ गया. अब देखो मैंने लिखा नॉट जीरो, तो जीरो क्या है, आपका फॉल्स है. जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स, ओके. तो इसको ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा. एक्सप्रेशन या ऑपरेंड के रिजल्ट को ये क्या कर देता है, ट्रू, रिवर्स कर देता है, ओके. अब देखो ये ट्रू आ गया, फाइन. अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा नॉट, ओके, माइनस फोर, ओके. अब माइनस फोर क्या है, आपका एक नेगेटिव नंबर है, ओके. नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू ट्रू है. एंड इसके आगे हमने नॉट लगा दिया तो अब क्या हो जाएगा, ट्रू को ये क्या कर देगा, फॉल्स, फॉल्स कर दिया, फाइन. देखो एक और एग्जांपल देखते हैं. नॉट, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया फाइव इज ग्रेटर देन टू, यस. इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, बिकॉज फाइव इज ग्रेटर देन टू, ओके. अब आगे इसके हमने लगा दिए नॉट, तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, फॉल्स, फाइन. अगेन नॉट, नॉट के बाद आपने लिया फाइव इज स्मॉलर देन एट, ओ फाइव इज ग्रेटर देन एट, ओके. तो यहाँ पे क्या है, अगेन आपका क्या है, ये फॉल्स है, इनसाइड आपका ये क्या है, फॉल्स है, ओके. तो फॉल्स को ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ट्रू. तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी एक्सप्रेशन या ऑपरेंड ट्रू होता है उसको फॉल्स कर देता है, और एक्सप्रेशन या ऑपरेंड फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा, ओके. नेक्स्ट वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर्स आर सिमिलर टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह होते हैं. आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स थे एंड और नॉट, ओके. तो ये उस लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह ही काम करते हैं, एक्सेप्ट दैट दे वर्क ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. लेकिन यहाँ पे ये डेटा के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन से डेटा की बाइनरी फॉर्म पर काम करते हैं. पाइथन प्रोवाइड द फॉलोइंग बिटवाइज ऑपरेटर्स. तो हमारे पास ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, राइट, ओके. नो फर्स्ट वी हैव बिटवाइज एंड ऑपरेटर. सबसे पहले आपके पास है बिटवाइज एंड ऑपरेटर. द एंड ऑपरेटर कंपेयर्स टू बिट्स एंड जनरेट्स अ रिजल्ट ऑफ वन इफ बोथ द बिट्स आर वन, ओके. तो एंड आपको वन रिजल्ट तभी देगा जब दोनों बिट्स वन है. ऑपरेंड वन, ऑपरेंड वन में भी बिट वन है एंड ऑपरेंड टू में भी बिट वन है, तभी आपको एज अ रिजल्ट वन मिलेगा. अदरवाइज इट रिटर्न्स जीरो, ओके. अदरवाइज क्या आएगा, आपके पास जीरो आएगा, ओके. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, आपने आपका ऑपरेंड वन है 13 एंड ऑपरेंड टू है आपका 12, ओके. एंड आपने इन बिटवीन क्या यूज़ किया है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, ओके. तो 13 आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 1011, राइट. एंड देन 12 आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 0011. अब देखो यहाँ पे 100, राइट, 00, 111, 111, ओके. तो एंड ऑपरेटर वन रिजल्ट तभी देगा जब ऑपरेंड वन, ऑपरेंड वन की भी बिट वन है एंड ऑपरेंड टू की भी बिट क्या है, वन है, ओके. ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए बिन फंक्शन का यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैंने कर दिया बिन 13, ओके. तो ये आपके पास आ गया 1101, ओके. ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 13 का, ओके. 13 की बाइनरी फॉर्म है. अब मैं यहाँ पे बिन 12 कर देती हूँ, बिन 12, राइट, ओके. अब देखो 13 एंड, ये बिटवाइज एंड है, ठीक है, 12, राइट. आपके पास आंसर आ गया 12, ओके. और अगर हम इसको बाइनरी फॉर्म में करके देखें, 13 एंड 12, ओके. बिन फंक्शन में आपने पास कर दिया तो ये आपका रिजल्ट आ गया. देखो जब आपने 12 की बाइनरी फॉर्म निकाली है तो 1100 है, ओके. इसका रिजल्ट भी 12 ही आया है, फाइन. तो यहाँ पे देखो रिजल्ट में क्या है आपका, 1100, ओके. और यहाँ पे देखो जब 10 क्या हुआ, 0, राइट, ऊपर वाला आपका 13 का 1 एंड आपका 12 का 0, ये हो गया 0, ओके. देन 000, जहाँ पे 1111 है वहाँ पे आपका 11 आया. तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर में 1 तभी आएगा जब फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड दोनों में बिट 1 होगा, ओके.
Next is inclusive OR operation. The OR operator compares two bits. ओके और ऑपरेटर टू बिट्स को कंपेयर करता है, टू ऑपरेंड्स की बिट्स को कंपेयर करता है. एंड इफ आइदर ऑफ द टू बिट्स इज वन और दोनों में से किसी भी ऑपरेंड की बिट अगर वन है, द रिजल्ट इज वन. ओके रिजल्ट क्या होगा? वन. देखो जहां पे जीरो जीरो है वहां पे तो जीरो है, जहां पे जीरो वन फर्स्ट ऑपरेंड की बिट है जीरो एंड सेकेंड की है वन, तो आगे आपका वन. ओके वन जीरो वन 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 वन. ओके तो अगर एक भी वन है राइट, तो क्या आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? वन. ओके फॉर और ऑपरेशन जीरो और जीरो प्रोड्यूसेस जीरो. जीरो कब आता है? जब दोनों ऑपरेंड की बिट्स जीरो हो, अदरवाइज आपका वन ही आएगा. एनी अदर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस वन. ओके तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि और ऑपरेशन के अंदर सिर्फ जीरो और जीरो राइट, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड की भी बिट आपकी जीरो है एंड सेकंड की भी जीरो है और बीच में आपने और ऑपरेटर लगाया है तभी आपका जीरो आएगा. अदरवाइज कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन है जीरो वन वन जीरो वन वन तो आपका वन आएगा. ओके देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है 13 और 12 राइट. तो यहाँ पे देखो वन जीरो वन ठीक है, क्योंकि एक आप 13 की जो बिट है वो 1 है और 12 की 0 है, तो 10 1 0 0 0 अदरवाइज 1 1 1 1 1 1 ठीक. यहाँ पे हमने देखो कन्वर्जन किया हुआ है पहले से 13 का बिट्स में. ओके तो हमारा 13 है 1101. ओके एंड 12 है आपका 1100. ओके और अब यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज करेंगे बिन 13 और 12. फाइन आपका आ गया देखो यहाँ पे 1101. ओके और अगर आप सिंपल करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? 30. फाइन तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया है? और ऑपरेटर जिसके अंदर सिर्फ अगर दोनों ऑपरेंड्स में बिट जीरो है तभी आंसर में जीरो आएगा, अदरवाइज वन आएगा कोई भी और दूसरा कॉम्बिनेशन है. ओके नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इन्वर्ट ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड. कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर आपका यूनरी ऑपरेटर है. ओके जो एक ऑपरेंड पे अप्लाई होगा और ये क्या करता है? बिट्स को इन्वर्ट कर देता है. इन्वर्ट मीन्स उसको रिवर्स कर देता है. अगर जीरो है तो वन में कन्वर्ट कर देगा और अगर वन है तो जीरो में कन्वर्ट कर देगा. आपने 12 के आगे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाया है तो देखो इसकी बिट्स क्या हो जाएंगी? इन्वर्ट हो जाएंगी. जीरो का वन हो गया है, जीरो का वन, ओके वन का जीरो, लाइक दिस. फाइन ओके अब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 12 को. ओके ये आपकी बिट्स आ गई हैं राइट. अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, टाइल्ड 12. तो यहाँ पे जो ये सिंबल है वो किसका? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का. आपका रिजल्ट आया -13 राइट. अगर हम 13 का बाइनरी फॉर्म देखें तो यहाँ पे 13 का बाइनरी फॉर्म क्या है आपका? 1101 है. फाइन तो अगर यहाँ पे हम बिन करें बिन टाइल्ड ओके 12 फाइन तो आपका देखो माइनस आ गया है यहाँ पर, क्योंकि -13 था और 13 यहाँ पे देखो 13 की डिजिट क्या है? 1101. तो यहाँ पे आ गया 1101. ओके तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर देता है राइट. नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन और यू कैन से एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर. द एक्सक्लूसिव और एक्सोर ऑपरेटर कंपेयर्स टू बिट्स एंड रिटर्न्स वन इफ आइदर ऑफ द बिट्स आर वन. तो यहाँ पे कह रहा है अगर दोनों में से एक भी ऑपरेंड की बिट वन होती है तो रिजल्ट आपका वन आएगा. एंड इट गिव्स जीरो इफ बोथ द बिट्स आर जीरो और वन. लेकिन अगर दोनों ऑपरेंड की बिट्स जीरो है या दोनों ऑपरेंड्स की बिट्स वन है तो रिजल्ट आपका आएगा जीरो. ओके तो यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा, अगर एक भी बिट वन है मतलब जीरो वन का कॉम्बिनेशन है तो वन आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों जीरो है तो भी जीरो आएगा, दोनों वन है तो भी जीरो आएगा. ओके जैसे यहाँ पे आपका दिया है 10 तो क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है 1 और 0 का, तो वन आया है राइट. अदरवाइज दोनों जीरो है तो भी जीरो आएगा, दोनों वन है तो भी जीरो आएगा. ओके अब एक्सक्लूसिव और का हम एग्जांपल देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 13 को राइट, ये बाइनरी फॉर्म में आ गया और हम यहाँ पे 12 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके ये हमारा 12 आ गया है. अगर हम करते हैं 13 एक्सोर 12 तो आपका रिजल्ट आया 1. फाइन और अगर आप देखोगे इसको बाइनरी फॉर्म में, अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे
तो भी हमारा क्या आएगा रिजल्ट, देखो 1. ओके, सो दिस इज योर XOR ऑपरेटर. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन. पाइथन में दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, इज एंड इज नॉट. द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक इफ बोथ द ऑपरेंड्स reference the same object in the memory. तो यहाँ पे identity operator is and is not ये check करते हैं कि दोनों operands, मान लो आपके पास दो operand है a and b, तो is and is not operators ये check करते हैं कि दोनों operand memory के अंदर same memory location के अंदर same object को refer कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे मान लो हमारा a है, a is हमने दिया ये variable a 2 को रेफर कर रहा है मेमोरी लोकेशन पर. ओके, एंड बी भी क्या कर रहा है 2 को रेफर कर रहा है. फाइन, तो यहाँ पे ये चेक करेंगे कि दोनों ऑपरेंड ए एंड बी सेम ऑब्जेक्ट को सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. रेफर करना मतलब उसको लोकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. फाइन, अब यहाँ पे हम देखेंगे इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ इट्स ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट. तो इज ऑपरेटर ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंड एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होते हैं सेम मेमोरी लोकेशन पर. ओके, बोथ रेफरेंसिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन. ओके, रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज. और अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. ओके, एंड इज़ नॉट कब रिटर्न ट्रू करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ इट्स ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. इज नॉट ऑपरेटर ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंड्स ए एंड बी, मान लो जो भी ऑपरेंड्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं मेमोरी के अंदर. मतलब यहाँ पे ए एंड बी जो रेफर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होने चाहिए, तब आएगा ट्रू. ओके, दैट इज बोथ रेफरिंग टू द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज. ओके, और अगर इसके ऑब्जेक्ट ए एंड बी सेम ऑब्जेक्ट को सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं तब इसमें आएगा फॉल्स. तो दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के. ओके, यहाँ पे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास एक वेरिएबल है ए, उसको मैंने वैल्यू दे दी है 20. ओके, ए किसको रेफर कर रहा है, 20 को रेफर कर रहा है. देन हम सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं 40, ये 40 को रेफर कर रहा है. देन अगेन हमने सी ले लिया, इसको हम रेफर करा देते हैं 20. तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल ए एंड सी सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं इन सेम मेमोरी लोकेशन. कैसे, देखो हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हम एड्रेस देखते हैं ए का. This is the address of variable A. Again, अगर हम C का address देखते हैं, C का देखो दोनों का address same है क्योंकि ये same value को same object को refer कर रहे हैं. अगर हम address देखते हैं value 20 का, this is also same, right? और अगर आप B का देखोगे तो ये different होगा क्योंकि वो different object को refer कर रहा है. Okay? Fine. अब यहाँ पे हम is and is not का use करेंगे. राइट, अब मैंने लिखा ए इज बी, ए इज बी. राइट, अब ए इज बी ट्रू तभी होगा जब दोनों वेरिएबल दोनों ऑपरेंड सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे होंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ए इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है एंड आपका बी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा. जब आप देखोगे फॉल्स आ गया, ठीक है. लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखती हूँ ए इज सी, ए इज सी, यहाँ पे ए एंड सी, ए देखो सेम ए एंड सी दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो अब आप इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू. ट्रू, तो इसमें ट्रू कब आता है, जब दोनों ऑपरेंड्स सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं. और इसका रिजल्ट फॉल्स कब आता है, जब इसके ऑपरेंड्स दोनों ऑपरेंड डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को और यू कैन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं. फाइन, अब ऐसे ही है. और इज नॉट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है. अगर मैंने लिखा ए इज नॉट बी, तो अब क्या आएगा, ट्रू आएगा. ठीक है, ए इज नॉट बी ट्रू. राइट, ए इज नॉट बी ट्रू क्यों आया है, ए इज नॉट में ट्रू कब आता है, जब आपके ऑपरेंड्स डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को लोकेट कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं. तो ए और बी दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या डिफरेंट, इसलिए ट्रू आ गया है. और ऐसे ही मैंने लिखा ए इज नॉट सी. राइट, अब यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स क्योंकि यहाँ पे दो
एंड सी दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को लोकेट कर रहे हैं. फाइन, तो ये है आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज एंड इज नॉट. नेक्स्ट वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर्स. इन एंड नॉट इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन. पाइथन में दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, इन एंड नॉट इन. दे आर यूज टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू और वेरिएबल इज फाउंड इन अ गिवन सिक्वेंस. तो ये टेस्ट करते हैं कि कोई भी वैल्यू या वेरिएबल गिवन सिक्वेंस के अंदर है, प्रेजेंट है या नहीं है. सिक्वेंस आपका स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, कुछ भी. ओके, इन अ डिक्शनरी वी कैन ओनली टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ की, नॉट द वैल्यू. और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप डिक्शनरी के साथ इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स यूज करोगे तो आप की के लिए टेस्ट करोगे. ओके, आप यू विल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ की, नॉट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वैल्यू. राइट, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है इन ऑपरेटर ट्रू इफ वैल्यू और वेरिएबल इज फाउंड इन द सिक्वेंस. अगर किसी भी सिक्वेंस में गिवन वैल्यू या वेरिएबल, जो भी वैल्यू या वेरिएबल आप सर्च कर रहे हो, वो मिल जाती है तो इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा. फाइन, एंड नॉट इन कब ट्रू रिटर्न करेगा? ट्रू इफ द वैल्यू और वेरिएबल इज नॉट फाउंड इन द सिक्वेंस. नॉट इन ट्रू तब रिटर्न करेगा जब सिक्वेंस के अंदर आप जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है. ओके, यहाँ पे हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का एग्जांपल देखते हैं. मैंने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, हेलो लिख दिया. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक एक करेक्टर इसमें से लेती हूँ, ई ई इन एस टी आर. ओके, अब मैं किसको सर्च कर रही हूँ, ई करेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर सर्च कर रही हूँ. राइट, आपका क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि ये प्रेजेंट है. अब अगर मैं कैपिटल ई कर लेती हूँ, ई कीजिए कैपिटल ई, आपको पता है पाइथन केस सेंसिटिव है, इन एस टी आर, तो क्या आएगा आपका, फॉल्स, क्योंकि कैपिटल ई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्मॉल ई है. ओके, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे करती हूँ स्मॉल ई इन एस टी आर, फाइन, नॉट इन करते हैं, नॉट इन, नॉट इन एस टी आर. ओके, नॉट इन क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा. नॉट इन ट्रू कब करता है, जब वो वैल्यू उसके अंदर नहीं मिलती है. ठीक है, फॉल्स. ओके, अब मैंने अगर कर दिया ई नॉट इन एस टी आर, अब क्या होगा, ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है. ओके, तो ये आपका इन और नॉट इन ऑपरेटर हो गया. एक एग्जांपल हम डिक्शनरी का भी देख लेते हैं. यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, वाई इक्वल्स टू वन क्या है, आपकी की है और इसकी वैल्यू हमने दे दी ए. राइट, टू आपकी की है और इसकी वैल्यू हमने दे दी बी. राइट, ये आपकी डिक्शनरी बन गई वाई. ओके, अगर मैं कर देती हूँ वन, ओके, इन वाई, वन इन वाई, यहाँ पे डिक्शनरी में आप सिर्फ की को सर्च कर सकते हो, ट्रू आ गया. ओके, और अगर मैं यहाँ पे करती हूँ थ्री इन वाई, तो थ्री तो प्रेजेंट है ही नहीं डिक्शनरी के अंदर, क्या आ जाएगा, फॉल्स. राइट, अगर मैं करती हूँ वन नॉट इन वाई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. ठीक है, बिकॉज नॉट इन क्या करता है, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स देता है, वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स देता है, और अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू देता है. अब देखो फॉल्स देगा, और अगर मैं लिखती हूँ थ्री नॉट इन वाई, तो क्या आ जाएगा आपका, ट्रू. ओके, तो ये आपके क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स. नेक्स्ट वी हैव पाइथन शॉर्ट हैंड और ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज इन पाइथन टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू, उसकी हेल्प से हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं. जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है ए इक्वल्स टू फाइव, डैट मीन्स हमने यहाँ पे फाइव असाइन कर दिया है ए को. ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं. ओके, ऑगमेंटेड असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंबाइंड द इम्पैक्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विद द असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो यहाँ पे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कंबाइन कर देता है. राइट, तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट, दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है. दैट इज इफ यू वॉन्ट टू एड वैल्यूज ऑफ बी टू द वैल्यू ऑफ ए, अगर आप बी की वैल्यू ए से ऐड करना चाहते हो. राइट, एंड असाइन द रिजल्ट टू द ए, और इसका रिजल्ट आप ए को ही असाइन करना चाहते हो. ठीक है,
बी की वैल्यू को आप ए से ऐड करना चाहते हो और रिजल्ट को आप ए के अंदर ही असाइन करना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये लिखने की बजाय आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस इक्वल्स टू बी, राइट। ए प्लस इक्वल्स टू बी का मीनिंग क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, राइट। ओके, तो दीज आर कॉल्ड पाइथन शॉर्ट हैंड्स और ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने यहाँ पे दिया है एक्स प्लस इक्वल्स टू फाइव, क्या हो गया आपका एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ओके। एक्स माइनस इक्वल टू फाइव हो गया आपका एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू एक्स इन टू फाइव, एक्स डिवाइडेड फाइव, x डिवाइडेड बाई फाइव, x मॉड्यूलस फाइव, ओके, x फ्लोर डिविजन फाइव, टू लाइक दिस, ओके। दिस स्टाइल ऑफ कंबाइनिंग असाइनमेंट विद द अदर ऑपरेटर्स ऑल्सो वर्क विद द बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड में बिटवाइज ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपने बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी एज अ शॉर्ट हैंड यूज किया है, ओके। अब यहाँ पे हम पाइथन शॉर्ट हैंड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया ए, इसको मैंने वैल्यू दे दी है 10, ओके। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए प्लस फाइव, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए को प्रिंट कराती हूँ तो 15 आ जाएगा। अभी मेरी ए की वैल्यू क्या हो गई है, 15 हो गई है 15। अगर मैं फिर से लिखती हूँ ए प्लस इक्वल्स टू फाइव, राइट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 15 प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब प्रिंट कराती हूँ ए की वैल्यू, तो देखो 20 हो गया, 15 प्लस फाइव 20, राइट। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी आपकी, 15, तो यहाँ पे ए प्लस फाइव क्या हुआ आपका, आपका हुआ ये ए इक्वल्स टू ए प्लस फाइव, ये, ठीक है, और आपकी वैल्यू आ गई 20, ओके। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।